हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आशा सहयोगिनियों का मलेरिया कुष्ठ रोग प्रशिक्षण संपन्न। कस्बे के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बैठक हॉल में खंड की आशा सहयोगिनियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। जिला स्तर से डॉक्टर विजेंद्र कुमार AMO, राम कुमार NMA एवं लैब टेक्नीशियन कृष्णकांत द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कुष्ठ रोग के संभावित मरीजों को प्राथमिक लक्षण के आधार पर चिन्हित करने एवं उन्हें चिकित्सा जांच हेतु PHC पर रेफर करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। खंड फैसिलिटेटर दिनेश वत्सल ने बताया कि आशा सहयोगिनियों द्वारा घर घर सर्वे के दौरान बुखार, मौसमी बीमारियों के संभावित मरीजों की घर पर ही ब्लड स्टैंड ली जाती है, ताकि उन्हें संभावित मलेरिया, डेंगू का समय रहते पता लगाया जा सके। इस हेतु घर घर ब्लड स्टैंड बनाने की विधि बताई गई। वहीं आशाओं द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम पर प्रगति बढ़ाने हेतु जोर दिया गया। STS जितेंद्र सिंह द्वारा TB रोग की पहचान हेतु आशाओं द्वारा सघन अभियान चलाकर लक्षणों के आधार पर संभावित मरीजों को चिन्हित करने पर जोर दिया। वहीं TB के उपचाराधीन मरीजों को समय पर फॉलोअप करने, मरीज के परिवार के अन्य सभी सदस्यों की बलगम जांच पर ध्यान देने की बात कही। इस दौरान PHS विष्णु गुप्ता, माला राम, लैब टेक्नीशियन धीरज कुमार, मुकेश कुमार सहित आशा सहयोगिनी उपस्थित रही। जागरूक TV के जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।